बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करते हैं आपने यूट्यूब चैनल यूसी मार्केटिंग पर। इस वक्त हम डोंचा रोड से आ रहे हैं डीएचए फेज सिक्स की तरफ। फेज सिक्स से जो आगे रोड बननी है जहां तक ब्लैक टॉप हुई हुई सेक्टर ए तक, सेक्टर ए से आगे डोंचा रोड जो जाती है रोड, उसके तक जो रोड बननी है उसकी अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे। काफ़ी ज़्यादा लोग पूछ रहे थे, खासकर डीएचए वैली के हवाले से, कि डीएचए वैली को जाते हुए कौन सा रास्ता है। तो हम बारह बार अपनी वीडियो में भी दिखा चुके हैं ये रोड, लेकिन इस रोड की अलग से अपडेट आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि ये एक्सप्रेस वे जो बन रही है उसकी अपडेट है आपके सामने। जो काम है इसके ऊपर जारी, आप देख सकते हैं कि अभी इसकी लेवलिंग की जा रही है, ज़मीन के बराबर जो है जो कटिंग वगैरह है वो सारी हो चुकी है, बस इसके ऊपर पत्थर वगैरह डाला जा रहा है। आगे भी आपको चेक करवाते हैं। तो जी बेसिकली ये रोड है डीएचए फेज फाइव से एक्सप्रेसवे जो आ रही है डीएचए फेज सिक्स तक, फेज सिक्स से आगे सेक्टर ए तक, तो बिल्कुल ब्लैक टॉप बनी हुई है वहां तक। अभी आपको लेके चलते हैं, दिखाते हैं आपको। लेकिन ये वाला जो हिस्सा है, ये जो जमीन आपको देख रहे हैं, ये वैसे भी डीएचए की प्रॉपर्टी है। डीएचए का सेक्टर बी अभी लॉन्च नहीं हुआ है, डीएचए फाइव का वो यहाँ पे शायद लॉन्च हो आने वाले दिनों में। इस तरह की जगह, इस जगह पे ऊपर या कोई और सेक्टर लॉन्च होगा, लेकिन ये बेसिकली डीएचए एक्सप्रेसवे जो है इसके साथ लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें तो सारी जगह डीएचए के पास ही है। और आगे ये बेसिकली आगे जो गांव को रोड जा रही है डोंचा रोड, जो पीछे आपने वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाई, ये रोड आगे 2 किलो या 3 किलोमीटर का पैच वो भी है, उसको भी एक्सटेंड किया जाएगा। तो आगे फिर फेज सिक्स का सेक्टर सी वन है, स्टार्ट होता है सी वन से, आगे फिर बी थ्री, और बी थ्री के साथ ही जो बिलू बेल ब्रिज तक रोड जाती है वो डीएचए वैली के साथ कनेक्ट हो रही है, वो उसको भी हम दिखा चुके हैं अपनी वीडियो के अंदर के वहाँ पे भी काम जारी है और यहाँ पे भी इस वक्त काम है। बेसिकली ये एक पार्ट रहता है जो कनेक्टिविटी डीएचए फेज सिक्स और डीएचए वैली और डीएचए फेज सिक्स के दरमियान जो हिस्सा है, ये सिर्फ इतना है, ये वाला पार्ट है, इसके ऊपर काम जारी है। इंशाल्लाह ये जल्द कंप्लीट हो जाएगा और ये रोड कंप्लीट हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी पत्थर वगैरह डाले जा रहे हैं, तकरीबन ये कुछ अरसे तक देखेंगे आप इंशाल्लाह कि ये रोड कंप्लीट हो जाएगी। डीएचए एक्सप्रेस वे जो है सेक्टर ए तक आई हुई है, और सेक्टर ए से आगे डोंचा रोड, और डोंचा रोड को भी एक्सटेंड किया जाएगा इंशाल्लाह। तो विद इन वन ईयर ये देखेंगे आपकी ये कनेक्टिविटी, जो बीच वाला हिस्सा है यही बस एक हिस्सा रहता है जिसके ऊपर काम जारी है, और ये एक साल के अंदर अंदर आपको फेज सिक्स के बी थ्री तक और बी थ्री से आगे तो सारा कंप्लीट है। आपने देखा ही है कि डीएचए वैली की सारी कनेक्टिविटी जो है वो ओके है। आप डीएचए वैली से होते हुए बिलू बेल से होते हुए आगे रोज और फिर बोगनविला और आगे लंडर ब्लॉक तक आप आराम से इजीली जा सकते हैं, रोड मुकम्मल तैयार है। और ये वाला हिस्सा जो है ये रहता है, ये साथ आप देख सकते हैं डीएचए की मशीनरी लगी हुई है। ये सारा जो जमीन है ये सारी डीएचए की है, यहाँ पे सेक्टर बी, आई थिंक बी सेक्टर आएगा डीएचए का, क्योंकि ए बना हुआ है, ए के आगे जो है बी आना है और बी वन आए शायद, इस तरह की ये सूरत हाल बनी हुई है। तो इंशाल्लाह आज की अपडेट आपके साथ इसलिए शेयर की जा रही है कि ये आपको दिखाने का मकसद सिर्फ ये था कि कुछ लोग काफी ज्यादा पूछ रहे थे कि ये पीछे वाला हिस्सा जो है और जिसके ऊपर काम जारी है उसकी जरा अपडेट दें। तो आपके साथ वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ आपको आज की इस डीएचए एक्सप्रेसवे की अपडेट करना था, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इसके ऊपर काम जारी है। जो डीएचए वैली के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं इस वक्त या फेज सिक्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये बेहतरीन इन्वेस्टमेंट टाइम है। आप करें इस वक्त डीएचए फेज सिक्स के अंदर करें। डीएचए फेज सिक्स के जो सेक्टर है सी वन सी टू और बी थ्री है, ये अच्छे सेक्टर है एज इन्वेस्टमेंट भी, और एज एंड यूजर अगर आप घर बनाने के लिए भी लेना चाहते हो तो कम से कम प्राइस में आपको 1 करोड़ के राउंड अबाउट वहाँ पे एक कनाल का प्लॉट मिल रहा है। इससे अच्छा मौका आपको शायद ना मिले आने वाले दिनों में। और बी आगे डीएचए वैली की अगर बात करें तो वहाँ पे भी इस तरह की सूरत हाल है कि इस वक्त बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है। हमें कोशिश की है आपको कि ऊपर से सारा व्यू दिखाया जाए, नीचे से अभी गाड़ियां वगैरह नीचे से जा रही है, लेकिन ये रोड जो बननी है ऊपर बननी है वो आगे तक आप देख सकते हैं, सारी जमीन डीएचए के पास है ये वाला सारा हिस्सा। तो यहाँ से आगे का जो है कोशिश की कर रहा था डीएचए के बीच में से ही एक रास्ता मिल जाता, लेकिन वो नहीं मिल सकता, इस वजह से इन्होंने कोशिश की है कि जो ओल्ड रोड है, जो डोंचा रोड है, जो गांव को जाती है आगे, और गांव के साथ आगे ही सेक्टर जो डीएचए फेज सिक्स का सेक्टर सी वन स्टार्ट हो जाता, तो वहां तक इसको रोड को वही ओल्ड रोड को यूज करेंगे, उसको एक्सटेंड कर देंगे, उसको 4-6 लाइन बना देंगे और ये वाला जो पैच है ये कम्प्लीट हो जाएगा। इस तरह की ये अपडेट आपके साथ शेयर करने की है ताकि आपको आइडिया हो जाए कि काम जारी है, हर तरह का काम जारी है। हम आपको अपडेट करते रहते हैं अपनी वीडियो के अंदर। डीएचए फेज सेवन जो है वैली, उसका आपको इस्लामाबाद से एक्सेस 2-3 वीडियो के अंदर हम दिखा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके डीएचए एक्सप्रेसवे के ऊपर डीएचए वैली तक का जो रूट है वो आप देख सकते हैं। उसका ये वाला हिस्सा आपको दोबारा से दिखा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों के कमेंट्स वगैरह आए थे कि वो वाला हिस्सा दिखाएं जहाँ पे काम जारी है कि नहीं जारी है, आपको दिखा रहे हैं कि काम जारी है।
और स्पीडली काम जा रही है इंशाल्लाह। ये बहुत जल्द ये वाला हिस्सा जो है तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह। आप फिर आप सांबा से निकलेंगे एक्सप्रेसवे से डीएचए, एक्सप्रेसवे से सीधा डीएचए वैली जाएंगे। आपको रवाज जाने की जरूरत नहीं है, कलर सैगर रोड जाने की जरूरत नहीं है। आप जहाँ से एक्सेस करेंगे, चाहे आपने डीएचए होम जाना है, चाहे आपने ब्लू बेल ब्लॉक जाना है, या डीएचए वैली के किसी भी ब्लॉक में जाना है आपने, तो ईजिली आप डीएचए 5 से होते हुए जाएंगे। अभी रिसेंटली डीएचए ने डीएचए फेज 6 का भी कब्जा दिया है, जिसके अंदर कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्लॉट है, और कमर्शियल प्लॉट अभी लॉन्च भी कर दिए हैं। उसमें 4 मरला और 8 मरला के कमर्शियल हैं। बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है। आज से 1.5 साल पहले डीएचए ने डीएचए 5 के अंदर 4 मरला और 8 मरला कमर्शियल दिए थे। डीएचए के जो 8 मरला की कमर्शियल थी, उस वक्त प्राइस थी वो 5 करोड़ 16 लाख रुपए थी, जो आज के दौर के अंदर उसको आप देखें तो तकरीबन 10.5 करोड़ से भी ऊपर है, यानी कि डबल हो चुकी है। इसी तरह अगर 4 मरला कमर्शियल जो बैक साइड पे है उनकी भी बात की जाए इस डेड मार्केट के अंदर, तो वो भी 4 मरला के कमर्शियल 2.40 में लॉन्च किए थे, और इस वक्त वो 3.40 से 3.5 करोड़, 1 करोड़ के ऊपर प्रॉफिट उसके ऊपर भी चल रहा है। अगर डेट मार्केट के अंदर देखा जाए तो इतना अच्छा प्रॉफिट शायद ही आपको किसी सेक्टर में मिला हो पिछले 1.5 साल के अंदर। हर जगह पे प्राइस डाउन गई है, लेकिन वहाँ सेक्टर है डीएचए का, डीएचए एक्सप्रेस वे, जिसके ऊपर प्राइजेस अप गई हैं। ये बहुत अच्छा मौका है इस वक्त। आगे आप अगर डीएचए एक्सप्रेस वे के ऊपर जो 4 मरला 8 मरला कमर्शियल के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो आप लाजमी करें। उसकी डिटेल वगैरह चाहिए तो हमारे नंबर स्क्रीन पर आ रहे होते हैं, आप हमसे रब्ता करें, इंशाल्लाह आपको उसमें भी इन्वेस्ट कराएंगे। तो यहाँ तक आप देख सकते हैं ये डीएचए फेज 6 का सेक्टर लेबर व्यू सेक्टर है, और यहाँ से आगे एक्सप्रेस वे जो है यहाँ तक कंप्लीट है। यहाँ तक आप इजीली 5 मिनट में आ सकते हैं, एक्सप्रेस वे से सिर्फ 5 से 6 मिनट में आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं, और इससे वाला आगे वाला हिस्सा जो है जैसे कंप्लीट होगा यहाँ से आगे भी आप 5 से 5-6-10 मिनट मैक्सिमम आप अगर एक्सप्रेस वे से आते हैं डीएच इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे से तो और डीएचए फेज 6 तक जाते हैं तो आपको 10 से 15 मिनट लगेंगे टोटल, अगर आराम से इजीली आप वहाँ पहुँच जाएंगे। ये एक्सप्रेस वे आप यहाँ तक कंप्लीट है।